तो आपको सेवक का धर्म देखना है ना, तो आप रामायण पढ़िए। शत्रु भी कैसा होना चाहिए ये भी रामायण पढ़िएगा। रावण जानकी जी का हरण करता है, लेकिन राम जी की महिमा देखना। राम जी हनुमान जी को भी भेजते, राम जी अंगद को भी भेजते, राम जी खबर भी भेजते संधि के लिए, समझौता के लिए कि तुमने भले ही हमारी पत्नी का हरण कर लिया, अब भी अगर लौटा दो तो हम तुमसे कोई युद्ध नहीं करना चाहते। वरना जिनके पास बल होता है क्या वो डरते हैं? जवाब दीजिए, नहीं। अगर कोई थोड़ा करे ना तो वो डबल करने को तैयार रहते हैं। पर राम जी तो परम बलवान है, राम जी साधारण नहीं है, राम जी रघुवीर है। आप रामायण पढ़िएगा तो रामायण में लक्ष्मण जी वीर हैं, लेकिन हनुमान जी महावीर हैं। अगर लक्ष्मण जी वीर हैं तो हनुमान जी महावीर हैं, और अगर हनुमान जी महावीर हैं तो राम जी रघुवीर हैं। लेकिन इतने बलवान होने के बावजूद भी आप धर्म निभाते हुए राम जी को देखना। राम जी फिर भी अंगद को भेज करके कहते हैं जाओ संधि का प्रस्ताव लेकर जाओ ताकि रावण हमसे समझौता कर ले। कितना अद्भुत धर्म है। और रामायण में मर्यादा पढ़िएगा, रामायण में मर्यादा है। जानकी जी लंका गई, अशोक वाटिका में रावण के अधिकारत्व के अंदर विराजमान रही, परंतु पूरी जिंदगी जितने साल तक लंका में जानकी जी रही, रावण एक ही बात कहता रहा, तुम एक बार केवल मेरी ओर देख लो, केवल एक बार, मैं तुम्हें वचन देकर कहता हूं ये पूरा साम्राज्य तुम्हारा होगा। पर जानकी जी कहती है रावण खबरदार, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है तो केवल एक को, वो हमारे प्राणनाथ है। आप रामायण पढ़ेंगे तो पाएंगे तृण धरी ओट कहत बैदेही सुमर अवध पति परम स्नेही। जानकी जी ने देखा नहीं पूरी। और हम एक बात बताएं, मर्यादा कितनी अद्भुत है कि रावण राजा वहां का, रावण के राज्य में अशोक वाटिका के नीचे मैया जानकी जी विराजमान, पर रावण ने बिना इजाजत के सामने नहीं गया और जानकी जी ने देखा नहीं। मां तो भगवती है, मां अगर देख लेती रावण तत्क्षण भस्म हो जाता, ये रावण जानता था भली पूर्वक। रामचरितमानस की कथा कोई साधारण नहीं है, यह रावण भली पूर्वक जानता था कि अगर जानकी जी ने भर नजर मुझे देख लिया तो मैं भस्म हो जाऊंगा। और ये अभी से नहीं जानता था, जब विवाह हुआ था उसके ठीक बाद रावण जानता था। यह कथा सुनकर आपको बहुत अद्भुत लगेगा। जब राम जी का विवाह हो गया ना और श्री जानकी मैया हमारी विदा करके आई, तो कई दिनों तक हमने एक जगह छेपक में इस कथा को पढ़ा है, एक अन्य ग्रंथ में, कई दिनों तक हमारी मां ने प्रसाद नहीं पाया जानकी मैया। महाराज दशरथ जी को पता लगा तो पूछा क्या हुआ, तो जानकी मां ने खबर दी कि पिताजी इस घर में दोष लगा है ब्राह्मण का। श्रवण कुमार कि मात पिता ने आपके कारण अपने शरीर को त्यागा था, तो इस घर पर दोष लगा है ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का दोष लगा इसलिए मैं प्रसाद नहीं पा रही। दशरथ जी ने कहा बेटी ये दोष मिटेगा कैसे? पिताजी ये दोष तब मिटेगा जब कोई एक ऐसा ब्राह्मण यहां भोजन करेगा जिसने कभी किसी यजमान के यहां भोजन ना किया। अब ऐसा कौन मिलेगा? तब खोजने पर उस वक्त रावण का पता लगा महाराज दशरथ को कि रावण के ऐसा ब्राह्मण है जिसने किसी के घर पर भोजन नहीं किया, यजमान के घर पर। तो विशेष आग्रह करके महाराज दशरथ ने पत्र लिखा कि हमारे बालक राम का विवाह हुआ है और आपको भोज के लिए आना है। रावण आता है महाराज, स्वीकार करता, क्योंकि रावण को पता था कि जिस धनुष को हम नहीं उठा पाए उस धनुष को जिसने तोड़ा वो कोई साधारण नहीं हो सकता।
तो रावण दर्शन करने के लिए अयोध्या आया और अवध में आकर के रावण भोजन करने बैठा तो जानकी मैया ने अपने हाथ से प्रसाद बना करके परोसा तो उड़कर के एक तिनका महाराज दशरथ जी की थाली में पहुंच गया और रावण ने वो देखा अपनी आंखों से। जानकी जी ने सोचा सब प्रसाद पा रहे हैं, अगर मैं हाथ लगाऊंगी तो व्यवधान उत्पन्न होगा, अगर मैं कहूंगी तिनका गिरा है तो सब मुझ पर हंसेंगे, कैसी व्यवस्था है। तो मैया जानकी जी ने हाथ नहीं लगाया, मैया जानकी जी ने भर नजर तिनके की तरफ देखा, वो तिनका कुछ क्षण के अंदर भस्म हो गया। रावण ये गौर से देखता रहा, बड़े गौर से। दशरथ जी पूरी बात को समझ गए, रावण के दिमाग में वो बात भर गई कि जिसने अपनी दृष्टि मात्र से तिनके को भस्म कर दिया हो ये कोई साधारण नहीं है। बाद में जब महाराज रावण प्रसाद पाके चला गया तो दशरथ जी ने वचन मांगा, बेटी आज तुम हमें वचन दो कि जैसे आज तिनके को तुमने भस्म किया ना वैसी नजर किसी पर मत डालना। तब लंका में जानकी जी जब अशोक वाटिका में बैठती हैं और रावण कहता है कि तुम मेरी ओर निहारो, जानकी जी कहती मैं नहीं निहारूंगी, रावण कहते तुम मुझे जानते नहीं मैं रावण हूं, जानकी जी कहती खबरदार तुम्हें ध्यान तो होगा हमने तिनके का क्या हाल किया था। तब आप सुंदर कांड पढ़ेंगे तो गोस्वामी जी ने उसका उल्लेख किया, तृण धरियो जी तिनका को लेकर के रावण को खबरदार करती हैं, रावण तो हमारे स्वामी की बात करते हो, अरे हमसे ही निपट लो, तुम्हें ध्यान होना चाहिए, जब तुम पहली बार मिले थे तब हमने तिनके का क्या हाल किया था और कहीं अगर ज्यादा उपद्रव किया तो वही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। इसलिए रावण फिर लौटकर कुछ नहीं बोला क्योंकि रावण को ध्यान आ गया ये वही जानकी हैं, जानकी जी हैं जिन्होंने अपनी नजरों से जिन्होंने अपनी आंखों से तिनके को भस्मीभूत कर दिया था। तो रामचरितमानस में मर्यादा सीखनी है तो श्री जानकी मैया से सीखिए, कितनी अद्भुत मर्यादा है हो, कितनी अद्भुत मर्यादा। रावण भी कितना मर्यादित है रामायण का, बिना आज्ञा के देख नहीं रहा, न जानकी जी देख रही। तो रामचरितमानस के लिए हम निवेदन करें बंधुओं, जीवन में कुछ भी आपको सीखना है ना रामचरितमानस से सीखो। एक एक रिश्ते पर फोकस किया है, प्रकाश डाला है रामचरितमानस में, कोई भी नाता हो, ऐसा संसार का कोई नाता नहीं है जिस नाते को चलाने का संबंध आप रामचरितमानस से ना सीख पाओ। जीवन जीने की कला आप रामायण से सीख सकते हो। देखो 4 दिन की जिंदगी है, तुम PhD BEd करके विदेशों में पढ़कर नौकरी तो पा सकते हो पर जीवन जीने की कला बिना रामायण पढ़े नहीं पा सकते हो। जीवन कैसे जीना चाहिए इसके लिए तुम्हें रामचरितमानस को सुनना ही, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं, कल मत सुनो आज सुनो, ये मत सोचो एक साल बाद किसने देखा, अभी पढ़ो।